रखी और मेरी बहुत सेवा किया है। कितनी सेवा किया है किसी ने? ठाकुर बलवंत सिंह के शरीर पर हंटर चलाया है, इसलिए तुझे दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आज तो इस दुनिया छोड़कर कहीं दूर चली जाएगी। बढ़ाई है इस हवेली में, अगर कोई देखा होगा तो क्या कहेगा मुझसे, इसलिए मुझे जिंदा रहना इस दुनिया में अब ठीक नहीं है। ला बेटे तेजाब की बोतल लाओ और इसे पकड़ो हराम जा। ठीक है, इंक्वायरी कर लीजिए। हवलदार, हवेली की इंक्वायरी करो।
माय गॉड, ओ माय गॉड। ठाकुर भगवान सिंह तुम्हारी हवेली में तेजाब के छींटे कहां से आए? इंस्पेक्टर साहब, इसको मैं बताऊंगी। अच्छा, इसको आप बताएंगे। अवतार, इनके बयान नोट करो। बताइए एक एक करके बताते हैं। देखिए, मेरे इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई थी। ओ, मेरे इन्वर्टर की बैटरी खराब हो गई थी। मिस्त्री आकर उसमें तेजाब डाल रहा था। तेजाब डालते समय थोड़ा सा तेजाब फर्श पे गिर गया है, वही आपको मालूम दे रहा है। अच्छा, छींटे नहीं, तेजाब के छींटे हैं। इसका मतलब तुम्हारी बैटरी उबाल मार रही है क्या? इन्वर्टर की बैटरी। घबराइए, तुम्हारी बैटरी चेक करने वाला हूँ। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो और किसकी हवेली में हो? भगवान सिंह, पुलिस को धमकी देने की कोशिश मत करें। धमकी हम जा रहे हैं तुम्हारे खिलाफ, कोई साबूत कोई गवाह नहीं मिला। और जिस दिन तुम्हारे खिलाफ कोई साबूत कोई गवाह मिलेगा, तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पैर में भेड़ डालकर घसीटते हुए सलाखों के अंदर करूंगा। ना दवा सबूत मिला है और ना मिलेगा। और एक बात और सुनिएगा, यह हवेली ठाकुर भगवान सिंह की है। यहाँ पर ऊंची आवाज बोलने वाले की आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाओ। और यहाँ पर आने वाले के पैरों को निशान तो मिलते हैं, लेकिन जाने वाले के पैरों के निशान नहीं मिलते। जाने वाले के पैर के निशान मिलेगा। चलिए, अब की बार आना तो गवाह सबूत साथ लेके आना। अवश्य लेकर आऊंगा। ठीक है भगवान सिंह, यू कैन बाय माय हाउस। चलिए, बहुत अंग्रेजी बोलते हो क्या? अरे पढ़ा लिखा क्या तरीके चाहिए थोड़ी हो। यू कैन बाय माय हाउस, पहले बोलना सीखो। ये तुम्हारी गुंडागर्दी देखते देखते मैं बुढ़ा हो गया हूँ। हम मर भी जाएंगे और क्रिया करो का खर्चा हमें देना पड़ेगा। अच्छा, मर भी जाएंगे? अरे बुढ़े को तो मरना तो ही है। तो पुलिस वाले को मरने को कहते हो भाई? आप तो जा रहा हूँ। हाँ, क्या भी आज तुम्हारे खिलाफ कोई गवाह सबूत नहीं मिला? ना मिलेगा। और जिस दिन मिल रहा है ना, क्या करोगे? अरे तुम्हारी माँ चोट देंगे। अरे ठकुराइन, ये नौकरी करता है सरकार की, रकम खाता है सरकार की, लेकिन कहाँ हमारी सब करता है। और आज इसने बोल दिया है, मुझे गाली दिया हराम जाने ने। चलो मेरे साथ पास चलते हैं, इस साले की नौकरी खा जाएंगे। वो तो मैं जानती हूँ कि आपका पहुँच बहुत दूर तक है। मेरे डीएम डीएम तक है आपका पहुँच। अगर आप चाहेंगे ना तो एक फोन में इन लोगों की नौकरी ले सकते हैं आप। हाँ, वही होगा। लेकिन ये बताओ, काफी दिन हो गया आप मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं? अरे मीटिंग लगी रहती ना, छुट्टी नहीं पाते ना। जब देखो, जब आप मीटिंग में रहते हैं, मीटिंग में रहते हैं। अरे बहुत जरूरी है भाई। अरे मेरी भी तो मीटिंग होती है ना। बोली कहीं ना जाती है। अरे तुम तो
चलो, अपनी बेटी के घर क्योंकि नौ बज चुके हैं, उसके पास एक 5 लाख रुपए पहुंचाने चलता हूँ। अभी
जल्दी करें साहब। हवलदार। हाँ साहब। सासा जी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए चलो। साफ हो गया था लेकिन एक तीर का निशान बचा था। लेकिन दर्दनाक बात यह है कि आज शाम को रात में वो खिड़की तोड़कर अस्पताल से फरार हो गई है। अब उसकी तहकियात करें वरना हो सकता है कानून अपने हाथ में ले ले। क्या हुआ साहब? हवलदार। हाँ साहब। गंगा तो ठीक हो गई लेकिन रात को खिड़की तोड़कर कहीं निकल गई है। ये तो बहुत बड़ा हुआ साहब। गंगा जिलों की सताई हुई है। अगर वो कानून को अपने हाथ में ले लिया तो वो तहस महस बता देगी साहब। क्या हो रहा है? इसलिए चलो हम गंगा को देखते हैं किधर गई है। चलिए साहब। भैया हम तो ये हवलदार नौकरी तो हिगन तंग तुम तो बताए थे यहाँ नौकरी का उन्होंने नौकरी न है। दो इतने साल बीत जाए घर नहीं जाए कभी। अब हम यहाँ ड्यूटी बजा रहे हैं घर में पता नहीं चलवे ड्यूटी बजावत। अब यह नौकरी हम ले गया अब इस्तीफा कर दिया नरेगा में काम। पैसा भेज देना लेकिन उसने नहीं भेजा। बहुत कमीना आदमी है वो। बहुत कमीना। वो प्यार की भाषा समझता ही नहीं है। कोई बात नहीं है तुम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाओ और मैं भी विश्राम करूंगा। उसके बाद सूरजगढ़ चलेंगे और इस बार बलवंत सिंह की जिंदगी ही खत्म कर देंगे। ये हमारे अड्डे पे गंदगी कैसी है? यहाँ पर गंदगी नहीं होनी चाहिए आयदा का ख्याल रखना। Thank you.
लगता है कोई पुलिस की वकील है। लो इसे पानी लो। देखो तुम्हारी हालत देखकर मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि तुम चलते चलते आप भी खुद राह मालूम न होने की वजह से तुम चंबल घाटी पहुंच चुकी हो और चंबल घाटी पे उस जगह पहुंची हो जहां पर डाकुओं का सरदार मंगल सिंह है। इसलिए क्योंकि मंगल सिंह बहन बेटियों और बुजुर्गों के मान सम्मान का रखवाला है, इसलिए तुम कौन हो, कहां से आई हो, जो कुछ भी मैं पूछूंगा उसका सही जवाब देना। आए लड़की तू कौन है, क्या है पाओगी कुछ नहीं छिपाओगी। चंदनी पुरी रहने सुनने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि तुम चंदनपुर की रहने वाली हो, राय बहादुर की बेटी हो तुम और बलवंत सिंह सूरजगढ़
उनकी बहू जी मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन वो लोग मुझसे प्यार नहीं करते, वो सब दहेज से प्यार करते हैं, वो सब दहेज के लोभी हैं। सरदार जी मुझे मार देना चाहते हैं, मैं मरना नहीं चाहती, मरना नहीं चाहती। देखो अब ये बताओ तुम कैसी जिंदगी जीना चाहती हो? सरदार जी एक अभागन औरत कैसी जिंदगी जी सकती है, जब उसके मात का सिंदूर मिटा दिया गया हो और गले का मंगल सूत्र छीन लिया गया हो, कैसी जिंदगी जी सकती है सरदार जी, कैसी जिंदगी? हेलो हो ये आगे भाई साहब राम सागर ग्राम कैया की तरफ से घर मालिक को 131 रुपए का व्यवहार है और 10 रुपए पार्टी को पुरस्कार। धन्यवाद। ये बात ठीक है लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो माँ भवानी की कसम खाओ मेरे साथ कभी दगाबाजी नहीं करोगी। सरदार जी मैं कसम खाती हूँ कि आपके साथ मैं कोई गद्दारी और कोई झूठ नहीं बोलूंगी। तो ठीक है मेरी बात सुनो। आए प्यारी पहना बहन गंगा नहीं बल्कि हमारे इस गैंग की सरदार है और इसका नाम दस सुंदरी काली गंगा होगा। गंगा की जय हो। सरदार काली गंगा की। और बहन मेरी एक बात और याद रखना, कहो भैया